मित्रों नमस्कार। आज का यह कार्यक्रम हिंदी की पाठ्यपुस्तक में संकलित पाठ पर आधारित है। इस कार्यक्रम में आज हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी पर चर्चा करेंगे और उनके निबंध कुटज पर चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में कुछ जानकारी हासिल कर लें। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में सन 1907 में पैदा हुए थे। उनकी शिक्षा दीक्षा बलिया और काशी में हुई। संस्कृत विद्यालय से उन्होंने आचार्य की डिग्री हासिल की और आगे का अध्ययन उन्होंने काशी विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। करियर की शुरुआत के लिए उन्हें रविंद्रनाथ टैगोर के आग्रह पर शांति निकेतन जाना पड़ा। पंडित जी मूलतः संस्कृत के आचार्य थे, किंतु प्राकृत और अपभ्रंश पर भी उनका समान अधिकार था। उनका अध्ययन क्षेत्र बहुत विस्तृत था। वे भाषा, इतिहास, दर्शन, संस्कृति तथा धर्म आदि के विशिष्ट विद्वान थे। वह साहित्यकार हैं तो इतिहासकार भी, निबंधकार हैं तो आलोचक भी। साहित्य के क्षेत्र में वे परंपरा और आधुनिकता के समन्वयवादी मूल्यों की स्थापना के लिए जाने जाते हैं। उनका इतिहास या साहित्य इतिहास के क्षेत्र में उनका विशिष्ट योगदान कबीर तथा नाथों सिद्धों की स्थापना को लेकर के है। कबीर तथा नाथों सिद्धों की रचनाओं को भाषा और साहित्य में, हिंदी भाषा और साहित्य में शामिल कर उन्होंने बहुत बड़ा हस्तक्षेप किया। उन्होंने हिंदी आलोचना को अधिक लोकतांत्रिक बनाया। लोक और शास्त्र के द्वंद्व में उन्होंने लोक को अधिक मान्यता दी। द्विवेदी जी मूलतः निबंधकार थे। लालित्य उनके निबंधों की मुख्य विशेषता है। उनके निबंधों की भाषा सहज, सरल एवं प्रांजल है। व्यक्ति व्यंजकता और आत्मपरकता उनके निबंधों की प्रमुख विशेषता है। व्यंग्य शैली में प्रयोग से उत्पन्न हिंदी गद्य को नया रूप दिया है। वे मामूली से विषय, घटना, पात्र, स्थितियों पर बड़ा से बड़ा निबंध लिख सकते हैं। सही मायने में वे अपने समय के बड़े निबंधकार थे। आइए अब सुनते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध कुटज पर प्रोफेसर नामोर सिंह के विचार। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की एक प्रसिद्ध पुस्तक है अशोक के फूल, और उस निबंध के कारण निबंध की दुनिया में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रसिद्ध रहे हैं। अब आज हम उसी परंपरा में उनका एक दूसरा निबंध पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है कुटज। कुटज को हमारे यहाँ बोलचाल में कटसरैया कहते हैं, और कटसरैया बहुत ही क्षुद्र, न फूल है न पौधा है, कटसरैया नाम ही से मालूम हो रहा है कुटज। पंडित जी ने अशोक का फूल जब लिखा था तब उस समय वो शांति निकेतन में थे। कवि गुरु रविन्द्रनाथ ठाकुर के सानिध्य में, और वहाँ का जो वातावरण था वो अशोक के फूल वाला वातावरण था। काशी हिंदू विश्वविद्यालय आए और उनके निबंधों का संबंध उनके व्यक्तिव्यंजक निबंध है तो हम उनके जीवन से भी है। कुटज उन्होंने लिखा जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय से उनकी नौकरी ख़त्म हो गई 10 साल पढ़ाने के बाद, तो वो बेकार थे कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए कहिए या 15-20 दिन के लिए। उसके बाद चंडीगढ़ में नया विश्वविद्यालय खुला था और वाइस चांसलर ने आदर से उनको अपने यहाँ प्रोफेसर और विभाग का अध्यक्ष बना करके बुलाया।
चंडीगढ़ जाने के बाद जो पहला लेख उन्होंने लिखा वो यही कुटज है। और अब शांतिनिकेतन में तो रविंद्रनाथ ने अशोक के फूल के पेड़ लगवाए थे, लेकिन चंडीगढ़ में जो नया शहर बन रहा था उसमें अशोक के फूल के पर नज़र कहाँ जा क्यों जाए पंजाबी लोगों की। तो टहलने जब निकले तो शिवालिक की पहाड़ियाँ अगल बगल थीं, उन पहाड़ियों में अचानक उनकी नज़र फागुन के महीने में एक ऐसे छोटे से पौधे पर पड़ी जिसका पीला पीला फूल होता था। तब उन्हें लगा कि अरे ये तो कुटज है, और कुटज अकेले नहीं था बल्कि एक पूरी की पूरी कतार पीले फूलों वाली थी। और अशोक के फूल के बाद कुटज पर नज़र पड़ते ही उन्हें अपना जीवन याद आया कि कहाँ मैं रविन्द्रनाथ ठाकुर के आश्रम में था, मदन मोहन मालवीय के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सम्मानपूर्वक बुलाया गया था, और कहाँ चंडीगढ़ में जिस हालत में मैं आया हूँ नौकरी करने, अपमानित होकर के आए थे वो, जब चंडीगढ़ ने उनको सम्मान दिया था। तो अशोक के फूल के बरक्स कुटज उन्हें लगा कि अपने जीवन की ही कहानी एक तरह से है, वो कुटज की स्थिति में है। और उन्होंने अचानक, चूंकि पंडित जी ने कालिदास पर बहुत लिखा है, उनके प्रिय कवि कालिदास थे, मेघदूत का अनुवाद किया है उन्होंने स्वयं, तो प्रिय कवि उनके कालिदास थे, और कालिदास उनको याद आए, वो प्रसिद्ध श्लोक जिसका आरंभ की पंक्तियों में उन्होंने कहा है कि कहते हैं कि पर्वत शोभा निकेतन होते हैं, फिर हिमालय का तो कहना ही क्या, क्या पूर्व क्या अपर इत्यादि लिखते हुए सहसा उनको कालिदास का कुमार संभव याद आता है पहला श्लोक, अस्त्युत्तरश्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज पूर्वापरऊ तोय निधि बगाह्य स्थित पृथिव्या इव मानदंड। ये पंक्ति याद आई उनको, और हिमालय पर अब वो शब्दों से पंडित जी खेलते हैं। उन पहाड़ियों को वहाँ शिवालिक की पहाड़ी कहा जाता है, तो अचानक उन्हें याद आई शिवालिक क्या हुआ, मतलब कि शिव का अलिक, शिव की जटा, इसलिए हिमालय से आमतौर से शंकर भगवान का संबंध जोड़ा जाता है, और ये शिवालिक की जो पहाड़ियाँ हैं वो भगवान शंकर की लहराती हुई लंबी लंबी जटाओं के समान दिखाई पड़ती हैं, और वो लटियाई हुई उसी में अलकनंदा बहती है, महादेव याद आते हैं, और पूरा का पूरा उस कुटज के फूल पर आते हैं, तो कहाँ हिमालय और उन तमाम चीज़ों से दिखाई पड़ता है उनको कि ये क्या है कुटज। कूट माने पहाड़ कहते हैं, जैसे चित्रकूट है तो कूट माने पहाड़ है। इन्होंने संबंध जोड़ा, व्युत्पत्ति करने में चमत्कार पैदा करते थे कि कहाँ कूट और कहाँ कुटज। तो उन्होंने फिर उनको कालिदास याद आए, मेघदूत के प्रथम सर्ग में ही पहले ही में प्रत्यासन्ने नभसी दयिता जीविता लंबनार्थी जीमु तेन स्वकुशलमयीम हारयिष्यान् प्रवृत्तिम सप्रत्यग्रै कुसुम कुटुजै कल्पितार्घाय तस्मै प्रीतः प्रीति प्रमुख वचनम स्वागतम व्याजहार। ये कुटुज कुसुम मेघदूत में आता है कि यक्ष अपनी प्रिया को संदेश भेजना चाहता था, तो संदेश भेजने के लिए ऐसी जगह बेचारा था कि गुलाब वगैरह के फूल कहाँ मिले, तो उसको यही कुटज के मामूली फूल दिखाई पड़े, वही मिले, तो उनको ले करके वो मेघ का स्वागत करते हुए कहता है कि हे मेघ, और तो मेरे पास कुछ है नहीं, इन्हीं को स्वीकार करो और मेरा संदेश किसी तरह से मेरी प्रिया के पास भेज दो। इस तरह एक शब्द होता है जिसको कहते हैं एलिवसिवनेस अंग्रेजी में,
हिंदी में हम कहते हैं प्रसंग प्रसंग गर्भत्व। अगर पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी के निबंध आप पढ़ें, तो संस्कृत के पंडित थे वो, तो उनके गद्य में आपको दिखाई पड़ेगा कि संस्कृत के किसी कवि की, किसी शास्त्र की जगह जगह आपको गूंज सुनाई पड़ेगी, उसका इस्तेमाल करते हैं। और ऐसी भाषा से और ऐसे कथन में एक नया चमत्कार पैदा होता है। हम लिख रहे हैं अपनी भाषा में, लेकिन उन भाषा उन शब्दों का एक इतिहास है। इसलिए द्विवेदी जी के लेखन में भी, अशोक के फूल में भी है, संस्कृत साहित्य की पूरी स्मृतियाँ जागृत हो जाती है उनके निबंधों में। और कुटज के माध्यम से भी उन्होंने कहने की कोशिश की है, और फिर कुटज की महिमा बखानना शुरू किया है कि कुटज इतना मामूली नहीं है, भले ही ये अशोक न हो। तो कहते हैं कि ढूंढ लिया उन्होंने रहीम में, हमने भी पढ़ा है लेकिन हमारा ध्यान नहीं गया, वे रहीम अब बिरह कहाँ जिनकर छाह गंभीर, बागन बिच बिच देखियत सेहूण कुटज करीर। अब वो बड़े लोग कहाँ दिखाई पड़ते हैं, अब वो बिरह तो दुर्लभ हो गए हैं, अब तो जहाँ देखिए आसपास हमारे वही सेहूण दिखाई पड़ेगा, करीर दिखाई पड़ेगा, कुटज दिखाई पड़ेगा लोगों के बीच। इसलिए समाज इस स्थिति को पहुँच गया है। तो अगर मैं शांति निकेतन में नहीं हूँ, महामना मालवीय के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में नहीं हूँ, तो शिवालिक की पहाड़ियों में बसे हुए इस विश्वविद्यालय में अपनी स्थिति अगर किसी तरह की है, तो उस कुटज की तरह से मैं चंडीगढ़ में आ गया हूँ। और फिर शब्दों से खेलना पंडित जी के निबंधों की शान है। वो कुटज से फिर कुटिया, कुटीर, कुटनी, कुटनी, तरह तरह के शब्दों को बना करके और भाषा विज्ञान का और शब्दों की व्युत्पत्ति बताते हुए वो पूरा का पूरा लेख उनके पांडित्य का, अभूतपूर्व पांडित्य का, जिसके लिए मैंने कहा कि द्विवेदी जी के निबंधों में अनेक ग्रंथों का, साहित्य कृतियों का, दर्शन का की ओर संकेत मिलता है, जिसको आरंभ में मैंने प्रसंग गर्भत्व कहा था, जहाँ एल्यूसिवनेस होता है, गूंज सुनाई पड़ती है अलग अलग महान कृतियों की। और यह एक प्रकार का ऐसी रसानुभूति है साहित्य में, जो द्विवेदी जी के निबंध केवल सूचनाएं नहीं देते, बल्कि एक कृति अनेक दूसरी कृतियों की अनुगूंज सुनाई पड़ती है निबंध में। यह अनुगूंज उनकी एक देन है, या तो ये पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी के निबंधों में मिलती है, अथवा उसके बाद हिंदी में वह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों में मिलती है। प्रोफेसर नामवर सिंह के विचार सुनने के बाद हमें विश्वास है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध कुटज संबंधी आप लोगों की प्रश्न जिज्ञासाओं का समाधान हो गया होगा।